14 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म भागते रहो दर्शकों को एक अलग कहानी के साथ बड़े पर्दे पर हंसाएगी। इस फिल्म में काम करने वाले नवोदित कलाकार शनिवार को इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए। फिल्म के कलाकार अभय रायचंद और रिया ने यहाँ फिल्म से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। मतलब ढाई घंटे का जो आपका टाइम रहेगा, उस ढाई घंटे में आपको फुल एंटरटेनमेंट, फुल मज़ा और कहते हैं ना फुल पैसा वसूल होगा इस फिल्म में। कि मैं बिहार से हूँ एंड आई बॉर्न इन बिहार, आई ब्रॉट अप माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई डिड फ्रॉम दिल्ली, देन आई वेंट टू हिमाचल, वहाँ पर एक्टिंग के कोर्स में था, फिर मुंबई आया। तो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोग और डिफरेंट ऐसी चीज़ें, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे लाइफ के कि मैं लोगों से मिलता गया और वो है ना कि आसमान सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, चाहत की बाहें फैला करते थे। तो मेरी चाहत की बाहें जो है वो बचपन से ही फैलाता ही आ रहा हूँ मैं। सो बेसिकली मैं पैदा इलाहाबाद में हुई हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं इंदौर से हूँ और 9 से मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी और आई थिंक एक्टिंग भी वहीं से ही मेरी शुरू हुई है। जो फिल्म है इट्स अ फुल कॉमेडी एंटरटेनिंग मूवी और इसमें आपको सब कुछ देखने मिलेगा, ड्रामा, एक्शन, रोमांस और हर चीज़ एक फ़नी वे में दिखाई गई है, जो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो प्लीज़ ये मूवी देखनी ज़रूर चाहिए। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने भी इस मौके पर पत्रकारों से अपनी बात कही। निर्देशक प्रफुल्ल तिवारी ने बताया कि इस फिल्म में लोगों को एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। वहीं निर्माता राकेश शर्मा ने कहा कि फिल्म का मुकाबला भले ही बड़ी फिल्मों से हो, लेकिन फिर भी फिल्म को अच्छे दर्शक मिलेंगे। टाइटल भागते रहो, कोई प्यार के पीछे भागता है, कोई पैसे के पीछे, कोई पावर के पीछे, कोई किसी को देखते हुए भागता है, कोई अपनों को देख के भाग रहा है, कोई सपनों के पीछे भाग रहा है, कोई वहीं भाग रहा है, फाइनली भागते हुए सब अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। नए एक्टर हैं और सबने बहुत अच्छा काम किया है, शूटिंग एक्सपेंसेस बहुत है, बहुत सारी लोकेशन है और एक फन फिल्म है और आपको एंटरटेन करेगी। बजट से ऑडियंस का आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी बड़ी बजट की फिल्में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी आती है, कुछ नहीं होता, कहानी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। सभी कलाकारों ने फिल्म से जुड़े पहलुओं को साझा करते हुए शूटिंग के दौरान हुए अनुभवों पर भी बातचीत की। कुल मिलाकर आने वाले हफ्ते में दर्शकों को लोटपोट करने के लिए लगने वाली फिल्म से कलाकारों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं कलाकारों ने दर्शकों से अपील भी की कि वे अपने परिवार के साथ थिएटर में पहुंचकर इस फिल्म को प्यार दें। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।